और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में मेकाहारा के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक चौधरी पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने परिजनों के साथ महिला आयोग पहुंचकर प्रमाणों के साथ डॉक्टर विवेक चौधरी पर आरोप लगाए। खबर यह है कि पीड़ित छात्रा ने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी आयोग को सौंपे हैं और साथ ही इस मामले पर पूर्व शिकायतों का कागजी अभिलेख भी सौंपा गया। शिकायत में उल्लेख है कि डॉक्टर विवेक पास कराने के एवज में शारीरिक शोषण की मांग करते थे और मांग पूरी ना करने के कारण ही उसे जानबूझकर फेल कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला आयोग ने डॉक्टर विवेक चौधरी से जवाब तलब किया है और 23 सितंबर को जवाब के साथ पेश होने के लिए आदेशित किया है। तो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा के मामले में ये बेहद संगीन और शर्मसार करने वाले आरोप हैं, जहां डॉक्टर विवेक चौधरी से जवाब तलब किया गया, महिला आयोग ने जवाब तलब किया है और स्कूली छात्रा ने आरोप लगाया है कि शारीरिक शोषण ना करने देने पर जानबूझकर छात्रा को फेल किया गया। पूरा मामला रायपुर मेडिकल कॉलेज का। तो मांग पूरी नहीं होने पर फेल करने का आरोप, बेहद ही संगीन आरोप छात्रा ने लगाए हैं। मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर विवेक चौधरी पर यह आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर अब महिला आयोग ने भी डॉक्टर विवेक चौधरी से जवाब तलब किया है। 23 तारीख तक का उन्हें समय दिया गया है इस मामले में अपनी सफाई पेश करने के लिए। तो रायपुर से ये खबर है। आपको बता दें कि इसमें पास कराने के एवज में शारीरिक शोषण की मांग का आरोप छात्रा द्वारा लगाया गया है। मेडिकल कॉलेज की यह खबर है रायपुर की, जहां पर डॉक्टर विवेक चौधरी से जवाब तलब महिला आयोग द्वारा किया गया है और अब इस पूरे मामले में 23 सितंबर तक जवाब के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर विवेक चौधरी को ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर विवेक चौधरी जो कि मेडिकल कॉलेज में अध्यापक हैं और उन पर आरोप लगाया गया है कॉलेज की छात्रा के द्वारा। तो रायपुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं डॉक्टर विवेक चौधरी पर। उन पर शारीरिक शोषण के लिए दबाव बनाने का आरोप है और पास करने के अवज में शारीरिक शोषण की मांग करने की आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले में अब महिला आयोग भी सामने आ चुका है। डॉक्टर विवेक चौधरी से जवाब तलब किया गया है, उन्हें 23 सितंबर को जवाब के साथ पेश होने के लिए आदेशित किया गया। बेहद संगीन ये मामला रायपुर का। तो पीड़ित छात्रा ने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स भी आयोग को सौंपे हैं, साथ ही इस मामले पर पूर्व शिकायतों का कागजी अभिलेख भी सौंपा गया है। तमाम सबूतों के साथ छात्रा ने डॉक्टर विवेक पर ये आरोप लगाए हैं जो कि बेहद संगीन आरोप हैं और शिकायत पूरे मामले में उल्लेख ये भी किया गया है कि डॉक्टर विवेक पास कराने के एवज में शारीरिक शोषण की मांग किया करते थे और मांग पूरी ना होने की वजह से ही जानबूझकर छात्रा को फेल किया गया।
तो रायपुर मेडिकल कॉलेज से इस बड़ी खबर के साथ निधि हमारे साथ जुड़ रही है। निधि, ये मामला जो है बेहद संगीन मामला है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी बेहद शर्मसार करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज की छात्रा एक डॉक्टर पर आरोप लगा रही है, शारीरिक शोषण का दबाव बनाने के एवज में उसे जानबूझकर फेल कर दिया गया। इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? अस्पताल में कई इस बार का ये जो मामला है इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां मेकाहारा अस्पताल के ही पूर्व सुपरिटेंडेंट एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक चौधरी पर वहीं स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने काफी गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उस छात्रा ने महिला आयोग में शिकायत की है और इस डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं कि पास कराने के एवज में ये जो डॉक्टर है शारीरिक शोषण की मांग करते थे। और इतना ही नहीं, उस छात्रा के साथ महिला आयोग शिकायत करने उसकी एक सहेली भी पहुंची हुई थी। सूत्रों के हवाले उसने भी यही जानकारी दी है कि न सिर्फ उसने अपनी सहेली के साथ ये होता देखा, बल्कि इस आपबीती का शिकार जो है वो उसकी साथ वहां पर पहुंची हुई उसकी जो सहेली थी वो भी थी। इस महिला ने शिकायत की है, वो तो छात्र पीड़ित है, लेकिन इसके साथ ही जो उसकी सहेली वहां पर पहुंची हुई थी उसने भी खुद को पीड़ित बताया और कहा कि इस डॉक्टर द्वारा उससे भी इसी तरह पास कराने के एवज में शारीरिक शोषण की मांग की गई थी। उस छात्रा ने ये तक बताया कि जब उसके इस मांग को स्वीकार नहीं किया छात्रा ने तो डॉक्टर द्वारा उसे फेल कर दिया गया। यानी कि जो मेकाहारा अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट है, वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर विवेक चौधरी, काफी शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार वाली घटना को अंजाम दिया है इन्होंने। और इसके साथ ही महिला आयोग के पास पूरे दस्तावेजों के साथ और मोबाइल में किए गए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेकर वो छात्रा वहां पर पहुंची हुई थी। फिलहाल इस तरह के संगीन आरोप जो है वो छात्रा ने लगाए हैं। मेकाहारा अस्पताल के कई लापरवाहियां, कई प्रबंधन की लापरवाही और गड़बड़ियां हम आपके सामने समक्ष रख चुके हैं, लेकिन इस तरह का ये जो मामला है ये काफी बड़ा मामला है, काफी चिंताजनक मामला है कि अगर वहां पढ़ने वाली छात्राएं सुरक्षित नहीं है तो काफी बड़ा जो है वो मामला है ये। प्रबंधन पर सख्त से सख्त इस बार कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल ये जो डॉक्टर है विवेक चौधरी, उन्होंने काफी बड़ी और संगीन एक अपराध को अंजाम दिया है। फिलहाल महिला आयोग द्वारा 23 सितंबर को उनसे जवाब तलब करने के लिए बुलाया गया है। जितने भी सवाल है वो सारे सवालों के जवाब अपने देने के लिए महिला आयोग द्वारा 23 सितंबर को डॉक्टर विवेक चौधरी को महिला आयोग के दफ्तर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं और वहां उनसे इस मामले पर पूरे सवाल जवाब किए जाएंगे और इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी कि आखिरकार ये मामला कितना तक सच है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो इस डॉक्टर को दो दर्जे मिले हुए थे, एक तो शिक्षक का दर्जा जिसे गुरु का दर्जा कहा जाता है और दूसरा वो डॉक्टर है और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और ऐसे दो दर्जे वाले व्यक्ति का इस तरह से इतना इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य करना ये काफी शर्मनाक है और बिल्कुल इंसानियत को शर्मनाक करने वाली घटना है वो मेकाहारा अस्पताल के सामने। बिल्कुल, छात्राओं के साथ दैहिक शोषण का आरोप लगाया गया है डॉक्टर विवेक चौधरी पर और इसको लेकर 23 तारीख को तलब होना है। देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में मेडिकल प्रबंधन क्या कुछ कहता है, डॉक्टर विवेक चौधरी क्या कुछ जवाब पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला आपको बता दें कि रायपुर के मेकाहारा मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर छात्राओं ने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं दैहिक शोषण का और अगर ये उनका साथ नहीं देते हैं, अगर बच्चे वहां के जो छात्राएं हैं, तो कहीं ना कहीं फेल करने की धमकी भी जो है डॉक्टर द्वारा दी जा रही थी। और इस पूरे मामले को अब गंभीरता से लिया जा रहा है, महिला आयोग का हस्तक्षेप है, 23 सितंबर को जवाब तलब किया जाएगा डॉक्टर विवेक चौधरी से। और इस बीच महासमुंद